Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Dhanyavad, Prabhu ji. Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Hallelujah. Har daan, har aapki taraf se milta hua har aashish ke liye, har aashish ke liye hum insaan aapke charanon mein aakar धन्यवाद आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम सब मिलकर प्रभु जी को धन्यवाद बोलेंगे, उनकी महिमा करेंगे, उनके लिए गीत गाएंगे, उनकी कलाम से प्रभु हमसे जो कुछ बोलना चाहता है उस आवाज की तरफ हमारा कान लगाएंगे। हमारा जिंदगी में ये आशीष है कि हम प्रभु के सन्निधान में आते हैं, अपने दिल का हर दर्द हर कष्ट अपने प्रभु से बोलता है और उससे हमें ये आश्वासन मिलता है, बेटा बेटी मत डर, आके जाओ, मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारा दायना हाथ पकड़ा हूँ, मैं तुम्हारा आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर हूँ। हल्लेलुया। अजगा दिवा रग शकदरा अधूरा दिवा राजक दीब शकदरा। इस दुनिया में कितने लोग अशांत है, कितने लोग सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, मैं भटका हूँ, मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, मुझसे हमदर्दी दिखाने वाला कोई नहीं है। हम कितना धन्य लोग हैं कि हमें ये विश्वास है कि हम अकेला नहीं है, चाहे कोई भी हालत में क्यों ना हो प्रभु हमारा साथ है, प्रभु हमारा साथ है। वो ना जबकि लेता है ना सोता है, हमारा साथ हर वक्त रहता है। हमारे जिंदगी के हर जरूरतों में वो हमारा साथ है। इस रात हमें सुनने वाला प्रिय भाई बहन, इस दुनिया के हर कोई हमें छोड़कर जा सकता है, सही वक्त पर हमारा साथ नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है। हल्लेलुया। अजगा दिवा शकदरबा। इस रात को भी वो हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है, हमारे अंदर समर्थ और ताकत देता है, हमारा डर हमारे दिल से निकाल देता है। तुम्हारा हृदय व्याकुल मत हो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे पिता पर विश्वास करो, मैं तुम्हें अपना शांति देता जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में इस प्रेयर लाइन के द्वारा, इस हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा हम भाई बहन लोग एक साथ आपके चरणों में माथा टेकता है। प्रभु जी ये दुनिया अशांति के हालात में पहुंच चुका है, पाप इतना बढ़ गया है, इंसान एक दूसरा का दर्द नहीं समझ पाता, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, इस दुनिया का जिंदगी बहुत तकलीफ भरा हो चुका है। प्रभु जी आपका चैन, आपका शांति, आपका सानिध्य हर जगह जरूरत है। प्रभु जी हम लोग एक साथ प्रार्थना करता है कि आज के इस प्रेलन के द्वारा इस दुनिया के ऊपर आप अपना सानिध्य भेजे प्रभु जी, हर लोगों को, हर परिवार को, हर बच्चों को, हर बड़े छोटे लोगों को आपके पंखों के नीचे ले ले प्रभु जी, और कोई जगह शरण स्थल के लिए इस दुनिया में नहीं रहा। प्रभु जी हम मिलकर प्रार्थना करते हैं इस रात प्रेयर तस्लीम करने वाले हमारे डॉक्टर साहब को आप आशीष से भर दीजिएगा, अपना अनोइंटिंग से भर दीजिएगा, अधिकार की आत्मा से भर दीजिएगा। हर शकदरा जब रोगी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनके जुबान के साथ आपके पवित्र आत्मा का समर्थ हल्लेलुया प्रेयर लाइन के द्वारा हर कोने कोने तक पहुंच जाए, रोगी लोग चंगा पाए, अस्वस्थ लोग को शांति मिले। प्रभु जी हमारे डॉक्टर साहब को परिवार समेत हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करके इस प्रेयर लाइन के हर भाई बहनों को, आज इस प्रेयर लाइन में प्रभु के सन्निधान में आए वाले हर परिवार को, हर बच्चों को, हर सिस्टर्स को, ब्रदर्स को आपके हाथों में समर्पित करके प्रार्थना करता है। आज गाना गाकर हमें सहायता करने वाले प्रिय सिस्टर को भी आप आशीष से भर दीजिएगा। प्रभु जी हर तरह से स्वर्ग हमारे ऊपर खुल जाए, पवित्र आत्मा कबूतर के नाते हमारे ऊपर उतर कर आए, हमारे घर पर उतर कर आए, हमारे बच्चों पर उतर के आए, आपकी कंट्रोल हर जगह पर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से पैदा हो जाए, हमें से प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा के सानिध्य के लिए आपको धन्यवाद बोलता है, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। आमीन आमीन।
फिर से एक बार प्रेयर लाइन में हर किसी को स्वागत करता है। डॉक्टर साहब आगे प्रेयर रिक्वेस्ट, आप आगे का प्रेयर लाइन लीड करेंगे, उनके साथ मिलकर हम सब लोग प्रभु को महिमा करेंगे। डॉक्टर साहब आप लाइन पर हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है पास्टर जैन? बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रहा है डॉक्टर साहब। ओके 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 पास्टर जैन, प्रार्थना शुरू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हमें पवित्र आत्मा की उस अनॉइंटिंग की जरूरत है, हमें उस आत्मा से भर जाने की जरूरत है जिससे हम बोल्डनेस के द्वारा परमेश्वर का वचन बोल सकें, एक दूसरे के बोझ को उठा सकें, एक दूसरे के आंसुओं को समझ सकें और एक दूसरे की खुशियों में शरीक हो सकें। प्रार्थना में आए हुए तमाम भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। अपने तमाम उन भाई बहनों को जो हमेशा से लगातार इस प्रार्थना में आते हैं और प्रार्थना में हमारे सहायता करते हैं, मैं उन तमाम भाई बहनों का आश्वासन अभिनंदन करता हूं और खास तौर से उन भाई बहनों का भी स्वागत करता हूं जो नए हैं। हालांकि हम में से बहुत से भाई बहनों को शायद मैंने नहीं देखा है, लेकिन तभी भी आत्मा में हम सब एक हैं और प्रार्थना में कोई दूरी नहीं है। इसीलिए और प्रभु यीशु मसीह के सारे प्रॉमिसेस हमें हाँ और आमीन के साथ उनका उत्तर मिलता है, इसलिए हम आपस में प्रार्थना में बंधे रहें और प्रार्थना में सम्मिलित रहें। मैं प्रार्थना सभा की शुरुआत में हम सब लोग हिंदुस्तान से ओरिजिन हुए हैं, इसलिए उस कंट्री को याद रखेंगे जो अभी भी बहुत सारे गलत धारणाओं में और गलत विश्वासों में फंसा हुआ है। हम जानते हैं कि भारत के अंदर होने वाले चुनाव होने वाले हैं और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर ऐसे लोगों को सक्सेस दे जिससे परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ सके। दूसरी बात, खासतौर से हम प्रार्थना करेंगे भारत के अंदर जो मिशन वर्क हो रहा है, जो मिशनरीज और इवेंजलिस्ट हैं खासतौर से नॉर्थ में, वो सताए जा रहे हैं। खासतौर से हमें बड़ी ही दुखदायी रिपोर्ट्स उड़ीसा से, झारखंड से मिलती हैं। कई बार सुनने को मिलता है उनके चर्चेस जलाए गए और उनको मारा पीटा गया और घर से बेघर कर दिया गया। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के प्रोटेक्शन के लिए, परमेश्वर अपने सेवकों की प्रोटेक्शन करे और भारत में एक बहुत बड़े रिवाइवल के लिए हम प्रार्थना करें। उसी के साथ साथ हमारा बर्डन है जो भारत के इर्द गिर्द जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल में भी बहुत सारा पास्टर्स को जेल में डाल रखा गया है और उनको प्रोसिक्यूशन है। हम प्रार्थना करेंगे भूटान के लिए जो एक क्लोज कंट्री है वो ओपन हो। प्रार्थना करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो प्रचारकों की सुरक्षा के लिए और मसीह के काम के लिए और श्रीलंका के लिए। मैं गुजारिश करूंगा किसी भी भाई या बहन को जो परमेश्वर का भय मान के इस वक्त आत्मा में हम भारत के लिए प्रार्थना करें। मैं एक बार फिर बताऊं, इलेक्शंस के लिए, मिशन वर्क के लिए, नेबरिंग कंट्रीज के लिए, भारत के यूथ के लिए और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भारत में जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है रिवाइवल के लिए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके पीछे और एक बार मिलकर जो है आपके चरणों पर आकर जो है प्रार्थना करने के लिए, हालांकि आपको आराधना करने के लिए हमारा जीवन में और एक शुभ अवसर जो है ऐसा दिया है, इसलिए धन्यवाद करता है प्रभु जी। हालेलुया। इस दिन में जो है सुबह से लेकर जो है अब तक हम लोग सबको जो है इस देश में कई कई जगह में क्षेत्रों में आप संभाल कर रखा है प्रभु जी। हालेलुया। हम देखने से एक मुर्गी अपना बिछों को जैसा अपना पंखों के नीचे संभालता है, उससे भी अधिक अच्छा रीति से जो है आप हम लोग सबको जो है संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी हमारा जीवन में जरूरत है वो सब जो है पूरा कर जो है आपने हम लोग सबको खुशहालता से जो है अब तक लेके आया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कई कठिनाइयां है, प्रतिसंधि है और डिफिकल्टीज है, लेकिन हालेलुया ये सबके बीचों से जो है हालेलुया हम लोग सबको जो है आप संभाल कर अब तक लेके आया है, इसलिए धन्यवाद करता है प्रभु जी। हालेलुया। और आजकल जो है आपस में मिलकर जो है प्रार्थना करने के लिए एक व्यक्ति दूसरों का जो है
प्रॉब्लम कुछ भी हो, समस्या कुछ भी हो, समझकर जो है वो हार लिया, प्रार्थना करने के लिए हार लिया, एक बर्डन जो है हमारा हृदय में आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हार लिया। प्रेज द लॉर्ड हार लिया। इस रात को जो है इस लाइन पर जो है आया वाले सबको जो है और एक बार जो है हम लोग प्रार्थना करते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हार लिया। और भी जो है हार लिया, अधिक शुष्कांति से जो है हार लिया, प्रार्थना में लगी रहने के लिए हम लोग सबको जो है आप सहायता करना है प्रभु जी, हार लिया। जो है इस शक्ति ने इसे भी अधिक शक्ति पाकर जो है वो हार लिया, पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर जो है आपके लिए काम करने के लिए, आपके लिए आगे बढ़ने के लिए जो है हार लिया। प्रेस लॉर्ड दूसरों के लिए वो हार लिया, इंटरसेशन करने के लिए हमें सहायता करना है प्रभु जी, हार लिया। और आपके खास रूप से जो है आपका दास जो है याद दिलाया वाला सारा विषयों को लेकर जो है और एक बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हार लिया। खास रूप से भारत के लिए प्रार्थना करता है, आजकल जो है चुनाव जो है वहां में होते हैं और उसकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कई जगह में जो है हम लोग जैसे सुना है वो आपका मिशनरी लोगों को जो है पूरे लोग जो है सदाई जा रही है प्रभु जी, हार लिया। उन लोग सबको जो है आप संभालना है प्रभु जी, हार लिया, हार लिया, ओ हार लिया, ओ ओरिजिनल गॉड जो है हार लिया, एक्चुअल गॉड जो है उसको जो है जानने के लिए, उसको आराधना करने के लिए जो है सबका हृदय में हार लिया, एक भय जो है आप देना है प्रभु जी, हार लिया। खास रूप से हमारा नेबरिंग कंट्रीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नेपाल के लिए, भूटान के लिए, पाकिस्तान, श्रीलंका और सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हार लिया। हम जान रहे हैं वो सब जगह में जो है हार लिया, कई लोग है आपको सचमुच में हार लिया, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जी हार लिया, कई समस्या है और हार लिया उनका जीवन में भी है, लेकिन फिर भी जो है आपको उन लोग आराधना करते हैं प्रभु जी, हार लिया। उन लोग सबको जो है संभाल कर रखना है। खास रूप से हम यूथ के लिए जो है भारत में जो है और बाकी हमारा नेबरिंग कंट्रीज में जितने यूथ लोग है जो है उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में हार लिया जाने वाला यूथ खोली यूथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हार लिया। सचमुच में आपको ढूंढने के लिए जो है एक हृदय में उसका वो एक बर्डन जो है आजकल देना है प्रभु जी, हार लिया, हार लिया। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार जो है हार लिया, भारत को खास रूप से आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हार लिया। एक रिवाइवल जो है आजकल जो है वहां में शुरू करने के लिए प्रभु जी, हार लिया। आपने काम करना है प्रभु जी, हार लिया। और एक बार आज शाम को हम लोग सबको जो है और एक बार हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, एक एक विषय लेकर हार लिया। अब आपका संविधान में जो है आके आज प्रार्थना करने का समय जो है हमारे गृह पारने के लिए, हार लिया। जो विषय लेकर आपका उपस्थिति में जो हम आपके साथ जो है मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसमें हमारे गृह पाने के लिए आप शामिल, आप हमें सहायता करना है प्रभु जी। और एक बार ये सारी विषय लेकर जो है आपके हाथों में सौंपते हैं, हाल लिया। हमारा प्रार्थना जो है यीशु मसीह का नाम है सुनकर जो है और ग्रहण करके जो हमें आशीष कीजिए प्रभु जी, हाल लिया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर, प्रार्थना में अगुवाई के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय से। पेंतिकुस्त के पर्व का दिन आया, सब शिष्य एक जगह इकट्ठे थे। अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्हें आकाश की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम देखते हैं कि इस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो चुका है। चेले और उनके साथ 120 लोग मिलकर लगातार यरूशलेम में प्रार्थना में लगे हुए हैं। ये मिरेकल तब हुआ जब लोग मिलकर, शिष्य मिलकर और एक मन से, एक आत्मा से, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी ऊंच नीच के परमेश्वर की निकटता में बने रहे। इसीलिए जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आए तो हम एक मन से आए, क्योंकि परमेश्वर, जब हम एक मन से होके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। यीशु मसीह ने कहा, जहां कहीं
तुम में से जो दो लोग भी अगर मिलकर कोई और विश्वास में एक होकर मेरे से कुछ मांगोगे, मैं उनके लिए पूरा करूंगा। और परमेश्वर के, जैसे मैंने बोला, उसके सारे वचन हमारे लिए हाँ और आमीन के साथ हैं। हम भारत के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे और भारत के मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। अगर आप लोग को स्पेसिफिकली भारत के कुछ मिशनरीज की जरूरतों के बारे में पता चलता है तो कृपा करके मुझे बताएं, ताकि हम अपनी आगे की प्रार्थनाओं में स्पेसिफिकली उनको शामिल कर सकें। प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम इस महान देश के लिए प्रार्थना करेंगे जहां हम रहते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का वचन इसके चारों, इसके पूरे 500 स्टेट्स में पहुंच सके। हम प्रार्थना करेंगे इसके एग्जीक्यूटिव ब्रांच, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑल मिनिस्टर्स, जुडिशियल ब्रांच के लिए। खास तौर से हम जुडिशियल ब्रांच के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे कानून और रेगुलेशंस पास हो रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हम प्रार्थना करेंगे लेजिस्लेटिव ब्रांचेस के लिए, खासतौर से यूनाइटेड स्टेट्स में हम एक बहुत बड़े रिवाइवल को देखना चाहते हैं। ये कंट्री जो जूडियो क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स के ऊपर रखा गया, जिसकी नेव परमेश्वर के वचन के ऊपर रखी गई, जहां से दुनिया में सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन का प्रचार हुआ, आज हम उसी कंट्री को परमेश्वर से दूर जाता हुआ देखते हैं। हमें ये देख के बहुत दुख होता है और हमसे ज्यादा दुख परमेश्वर को होता होगा कि जिसको परमेश्वर ने इतना ब्लेस करा आज परमेश्वर से दूर जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आए। हम इस अपने कंट्री में जहां हम रहते हैं उसमें इकोनॉमिक ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि ये कंट्री वापस अपनी रूट्स पर लौट सके, जैसा ये यहाँ के डॉलर पे लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट। ये सिर्फ बातों में ना हो, सिंबल के रूप में ना हो, बल्कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हो। प्रार्थना करेंगे यहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के लिए कि परमेश्वर यंगस्टर्स के अंदर खास तौर से एक बड़ा रिवाइवल लाए। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इस देश को ज्यों का त्यों होने की जरूरत है, इस देश को वापस फिरने की जरूरत है, इस देश को दीन और नम्र होकर पश्चाताप की जरूरत है, इस देश में एक आत्मिक रिवाइवल की जरूरत है, ताकि ये इकोनॉमिकली और दूसरे फ्रंट्स पर भी आगे बढ़ सके, जैसा परमेश्वर ने इसको पहले करा था। किसी भी भाई या बहन को प्रार्थना में अगुवाई हो तो प्रार्थना करें और हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया सर्वशक्तिमान अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस एयरलाइन में हम आए हैं प्रभु जी, हम आपके सन्मुख स्पीच चुकाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने हमें पिछले हफ्ता संभाला प्रभु जी, आज दिन भर आपने संभाला। एक और बार हम अपने आप को अपने हाथ पर आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारा प्रार्थना सुन प्रभु जी, जो भी हमारे में गति कमी है प्रभु जी, तो हमें क्षमा कर प्रभु जी। हरा वचन कहता है जब तू दीन होकर प्रभु जी अपने देश के लिए प्रभु जी अपने पापों को मानकर प्रभु जी दीन होकर प्रभु जी हालेलुया प्रार्थना करे प्रभु जी, तो प्रभु जी तू देश की रक्षा करेगा प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया अमेरिका के 50 स्टेट्स को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इस देश को प्रभु जी तू संभाल प्रभु जी, इस देश प्रभु में लौट आने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज तक आपने हमें संभाला प्रभु जी। इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी, हर एक जो प्रभु जी प्रभु को नहीं जाने प्रभु जी, ये मुक्तिदाता परमेश्वर को प्रभु जी देश जाने पाए प्रभु जी। हर एक यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया
तेरा वचन का प्रचार हो जाए प्रभु जी, तेरे नाम से प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी वो परमिशन हो जाए प्रभु जी। हालेलुया, हमारे बाल बच्चों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हरे अनेक हालेलुया प्रेयर वॉरियर्स को प्रभु जी स्कूल और यूनिवर्सिटी में प्रभु जी तो उठा ले प्रभु जी। हालेलुया हे प्रभु जी, हालेलुया अनेक मिशनरीज को प्रभु जी इस यंग जनरेशन में प्रभु जी इस अमेरिका के देश में प्रभु जी तो उठा प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम की महिमा और जय जयकार करने पाए प्रभु जी, ताकि हम हरेक को प्रभु जी हरे वाले अंधकार से प्रभु जी हालेलुया अनंत जीवन के लिए प्रभु जी हालेलुया बचाने पाए प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर एक और बार अमेरिका को हरे आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तू हम पर हालेलुया दरस कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी, अमेरिका को तू बचा ले प्रभु जी। हालेलुया हमारे भाई बहन जो पीड़ित हो रहे प्रभु जी उनको भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी। जो हालेलुया जो हालेलुया भाई बहन हालेलुया आज हालेलुया पीड़ित हो रहे प्रभु जी उन पर तू दया कर प्रभु जी, उनको तू दया पर उनको तू शक्ति दे प्रभु जी, उनको तू बल दे प्रभु जी। एक और बार हालेलुया हम आपके अपने आपको हाथ में आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करने की तू हमें कृपा दे प्रभु जी। ओ हालेलुया हम सदा प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े प्रभु जी। हालेलुया तूने हमें इतना बड़ा पदवी दिया है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी हमारी प्रार्थना सुन और अमेरिका को बचा ले प्रभु जी, मुक्तिदाता परमेश्वर को अमेरिका जानने पाए प्रभु जी, आने वाला परमेश्वर को प्रभु जी ये अमेरिका जानने पाए प्रभु जी, इनके प्रेसिडेंट को सेनेटर्स को हर एक कैबिनेट मेंबर्स को प्रभु जी, हर एक जुडिशियल ऑफिसर को प्रभु जी हालेलुया परमेश्वर को जानने पाए प्रभु जी। यस माय लॉर्ड, एक भी हालेलुया नियम कानून ना बनाने पाए प्रभु जी, वो तेरे सारे देश को प्रभु जी आगे बढ़ा प्रभु जी, पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर प्रभु जी। हालेलुया मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन 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 आमीन। सिस्टर आत्मा से भरी प्रार्थना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में इस देश को बहुत जरूरत है प्रार्थनाओं की। ये देश प्रार्थना के दम पर ही बना था, प्रार्थना के द्वारा ही आगे बढ़ा, प्रार्थना के द्वारा ही ये दुनिया के टॉप पर पहुंचा। और प्रार्थना ना होने के कारण और मसीहत से दूर जाने के कारण आज हम बहुत सारे फ्रंट्स पर इस देश को कमजोर होता हुआ पाते हैं। हम अपनी पर्सनल प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में अपने देश को जरूर याद रखें, और खासतौर से जुडिशियल ब्रांचेस को, जैसा सिस्टर ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर उनको आत्मा में ऐसा बांधे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई नियम या कानून पास ना करने पाए। आगे चलते हैं प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए। हम अपने बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर हमारे बीच में कोई व्यक्ति बीमार है, अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं। वैसे हम ब्रदर गुरविंदर की पूर्ण हीलिंग के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं और हम प्रार्थना करते रहेंगे। हम सिस्टर स्टर्ला की डॉटर मिशेल के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके अलावा अगर कोई और कोई व्यक्ति है जिसको चंगाई की जरूरत है, हम सब मिलकर उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। और ये वक्त होगा किसी भी भाई या बहन के लिए हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आज अब एक बार आपके सन्मुख में आके आपका स्तुति आराधना करने के लिए हमारा जीवन में अपने और एक मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया इस प्रेयर लाइन में आके हालेलुया आपका नाम का ऊंचा करने के लिए, आपका हालेलुया अगुवाई करने के लिए हमारा जीवन में आपने दिया हुआ और एक मौका के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप जो कोई प्रेयर लाइन में है सभी को अपने आशीष दे प्रभु जी, सबको प्रेयर लीड करने वाले को हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपने अनुग्रह कर सब भाई बहनों को आपके चरण में हाल आपके हाथ में सौंप देते, सभी को अपने आशीष कर रहे प्रभु जी। हालेलुया आज प्रत्येक करके हम हाल बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु लोग प्रभु जी। हालेलुया जो कोई हल बीमार में पड़े है प्रभु लोग उसका चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया प्रभु आप चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आप हमारा हालेलुया पाप के लिए केवल नहीं है, हमारा बीमार के लिए भी क्रूस पर चढ़ा गए प्रभु जी। आपके लहू के द्वारा हमें हालेलुया हालेलुया हमारा पाप को धो लिया और हमारा हालेलुया हमारा जीवन में चंगाई दिया प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जो कोई हालेलुया बीमार में है, हालेलुया शरीर में, हालेलुया जो कोई कमजोर में है, सभी को आपने आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया आपके लहू के द्वारा हालेलुया
आपके वजन के द्वारा उसके हल्ले चंगाई दे प्रभु जी। हल्ले प्रत्येक करके गुरिंदर सिंह के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हल्ले प्रभु उसको हल्ले उसने पूरे जी इसके हल्ले प्रभु चंगाई दे प्रभु जी। हल्ले छुटकारा दे प्रभु जी। हल्ले हम प्रार्थना करते सब मिलके एक मन में होके हल्ले आपके सन्निधान में हम प्रार्थना करते प्रभु जी। गुरिंदर सिंह को आपने हल्ले छुटकारा दे आपके नाम का महिमा के लिए और आगे बढ़ने के लिए लॉर्ड उसको आपने हल्ले आशीष के आशीष से भर दे प्रभु जी। आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। हल्ले और जो सिस्टर के लिए प्रार्थना मांगे हैं हल्ले उसके लिए भी हम प्रार्थना करते जो कोई बीमार है हल्ले प्रभु राजा यीशु मसीह के नाम में चंगाई होने के लिए हम एक सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु जी। हल्ले प्रभु जो कोई हल्ले प्रभु हमको हल्ले प्रभु हल्ले प्रभु हमारा जीवन में चंगाई की जरूरत है करके बोला हुआ सभी भाई बहनों को आपके चरण में हम सौंप देते प्रभु जी। सभी को आपने आशीष दे प्रभु जी। सभी को छुटकारा दे प्रभु जी। हल्ले शैतान के हाथों से छुड़ा दे प्रभु जी। हल्ले हम सब मिलकर प्रार्थना करते सभी को आपने हल्ले चंगाई दिया इसलिए हम धन्यवाद देते हम विश्वास के साथ हल्ले अपने आगे बढ़ते प्रभु जी। हमारा विश्वास के ऊपर हल्ले काम करने वाला परमेश्वर आप ये हल्ले आपके नाम में हम हल्ले मांग दे प्रभु जी। हल्ले प्रेस लोड हमारा प्रार्थना को आपने सुन हालेलुया प्रेस लोड सभी को आशीष दे प्रभु जी। आज हालेलुया आया हुआ हरेक भाई बहनों को आपने आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया ये छोटी प्रार्थना छोटी सी प्रार्थना आपके सन्मुख में रखते हैं और प्रार्थना कर सुनना और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम। थैंक यू ब्रदर थैंक यू। प्रार्थना सभा में बने रहेंगे और परमेश्वर के निकटता में उसके उसकी निकटता में हम बने रहें और लगातार परमेश्वर की ओर हम ताकते रहें। ये सच बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार का मार्ग सिर्फ उद्धार ही नहीं रखा बल्कि उसके साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स रखी हैं। यीशु मसीह के अंदर होकर अब्राहम की ब्लेसिंग हम तक पहुंचती है और परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। तो हमें ये मजबूती से खड़ा होना है। हम उन भाई बहनों के लिए और उन परिवारों के लिए हम दृढ़ता के साथ खड़े रहेंगे जब तक हम चंगाई को अपनी आंखों से ना देख लेंगे। हमने आत्मा में वसूल कर लिया है लेकिन हम उसको अपने जीवन में महसूस करेंगे देखेंगे और तब तक हम प्रार्थना में अड़े रहेंगे। प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए जैसे कि मैंने कहा कि अब्राहम की ब्लेसिंग हम तक पहुंचती है यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं जो इस वक्त फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू से जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की जरूरत है, जिनको जॉब्स की जरूरत है, जिनको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं उसमें एक मिरेकल की जरूरत है। हम प्रार्थना कर रहे हैं ब्रदर इनोश के लिए, सिस्टर स्टरला के जो बेटे हैं उनकी जॉब के लिए हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं और हम प्रार्थना करते रहेंगे जब तक कि ये गवाही हमें मिलेगी नहीं, सुनने को नहीं मिलेगा कि उनको परमेश्वर ने एक उनके जीवन में कार्य करा है। हम शैतान के विरुद्ध एक पाती बांध के सोल्जर्स की तरह खड़े रहेंगे। हम विनय गुड़ा के लिए प्रार्थना करेंगे जिनको पिछले दिनों इंटरव्यू दिया था, मुझे नहीं मालूम आगे क्या है लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हम पिछले हफ्ते हमने ब्रदर पैट्रिक के लिए अटलांटा से जो थे उनके लिए प्रार्थना करी थी और हम कंटिन्यूस उनको भी प्रार्थना में याद रखेंगे। इसके साथ साथ हम और भी तमाम ऐसे भाई बहनों को याद रखेंगे जिनको जॉब्स की जरूरत है या फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की जरूरत है। हमने सिस्टर एंड ब्रदर आशीष और मधु के लिए प्रार्थना करी थी जो डैलस चले गए हैं, जिनको वीजा की जरूरत है उनकी बेटी के लिए, उनके परिवार के लिए और उनकी पारिवारिक जरूरतों के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। तो किसी भी भाई या बहन को अगुवाई हो तो हम इसको प्रार्थना में आवाज उठा के प्रार्थना करें। हमारे प्यारे प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद और शुक्र करते हैं। संध्या समय में प्रभु तेरे चरणों में हम विविध स्थान में बैठ कर तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरे नाम को महिमा करने का अवसर तुमने हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद शुद्ध करते थे तेरे दास ने जो विषयों को बताया प्रभु तेरे चरणों में प्रभु हम रखकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे प्रिय भाई बहन जो भी प्रभु जी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं उनके लिए तो अद्भुत दरवाजे खोल के प्रभु तो उन्हें अनुग्रह करना प्रभु जी।
किसी को किसी तरह की कमी नहीं होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। तो स्वर्ग का भंडार खोल के उनको आशीष दे प्रभु जी। तुझे अनेक रास्ता है प्रभु जी। हम विश्वास करके प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहन जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, उनको सबको तू आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु जी। विशा के विषय में जो जो परिवार आवश्यकता में है प्रभु जी, उनके जीवन में भी अद्भुत का कार्य प्रकट कर प्रभु जी। तेरे हाथों में सब कुछ समर्पित करते हैं। तूने हमारे प्रार्थना याने सुना, इसे धन्यवाद। सब कुछ यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रार्थना में अगुवाई के लिए धन्यवाद करेंगे। इसी के साथ साथ हम प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच में कुछ नए फ्रेंड्स हैं। पिछले दिनों मिस्टर एंड मिसेस रमेश मल्होत्रा, आशा मल्होत्रा हमारे बीच में थे। वो पिछले हफ्ते हमारे चर्च में भी आए थे और उनके बेटी रीना के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम इस परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें। ब्रदर अमरजीत सिंह और उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों हमने संजय और इंदु परिवार के लिए हमने प्रार्थना करी थी। ये शायद स्टिल वाटर से हैं, अगर हैं तो मतलब इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे और लगातार इनको हम अपनी प्रार्थना सभा में उठाए रखेंगे। उसके अलावा हम भारत से आए हुए ऐसे तमाम भाई बहनों को भी याद रखेंगे जिन्होंने अब तक मसीह के प्रेम को नहीं चखा है, ताकि परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंच सके। इसके बाद मैं अनुग्रह करूंगा कि सिस्टर बीना आप लाइन पर हैं? लाइन में हूँ। अच्छा सिस्टर, आप इसके बाद गाना गाएंगी, तो इसके बाद तैयार रहें। और हमारे बीच में एक सिस्टर मलम्मा चेरियन बॉम्बे से हैं। सिस्टर आप मुझे सुन पा रही हैं? गाने के बाद आप अगर अपनी गवाही देना चाहती हैं तो आपके लिए समय होगा, ठीक है? हाँ जरूर। ओके ओके, तो इस वक्त हम अपने नए फ्रेंड्स के लिए, मैंने जैसे बोला मिस्टर रमेश मल्होत्रा, आशा मल्होत्रा, उनकी बेटी रीना के लिए, अमरजीत सिंह एंड फैमिली, संजय निंदु परिवार के लिए, और भारत से आए हुए जो जो हमारे ऐसे मित्र हैं, दोस्त हैं और लोग हैं जिन्होंने तक मसीह के प्रेम को नहीं चखा, हम उनके बीच में परमेश्वर के कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे। किसी भी भाई या बहन को अगुवाई हो तो प्रार्थना में लीड करें। हे हमारे पवित्र पवित्र प्रभु, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान प्रभु, तू जीवित है, तू आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। जैसे तूने आश्चर्य कर्म किए आज भी तू हमारे बीच में करता है। हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को बड़ी नम्रता से तेरे पास लाते हैं प्रभु। हम अपने सारे गुनाहों को परमेश्वर तेरे सामने रखते हैं प्रभु। जैसे तूने कहा है कि जब हम अपने गुनाहों को, अपने पापों को मांग लेते हैं प्रभु, मान लेते हैं और तुझे क्षमा मांगते हैं, तो प्रभु तू अपने लहू के द्वारा हमारे हर गुनाहों को क्षमा कर देता। तो कितना महान है परमेश्वर। हम तेरे योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी तूने अपनी जान देकर हमें अपने योग्य बनाया। आज हम तुझे पिता कहकर पुकार सकते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को तू सुनकर अपनी शांति तू हमें देता है। कितना महान है परमेश्वर। तू शक्ति सर्वशक्तिमान है। हर परिस्थिति में परमेश्वर तू हमारे साथ रहता है। जब हम दुख और तकलीफ में जाते हैं तू अपनी शांति हमें देता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर। कितनी भी तेरी स्तुति करे वो कमी है परमेश्वर। तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं तेरे प्यार के लिए परमेश्वर। और तेरे हमेशा हमारे साथ तू फेथफुल है परमेश्वर। तू सदा अपने वचन पे अटल रहता है परमेश्वर। जैसे तूने अपने वचन में कहा है तू पूरा करता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम इन परिवारों को तेरे सामने लाते हैं परमेश्वर। तूने इनके लिए भी अपना लहू बहाया, आज तू इनके लिए भी परमेश्वर अपने प्रेम को देने को तैयार है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आशा बहन जी के लिए, रमेश भाई, उन दोनों परिवार, उस परिवार के लिए परमेश्वर, उनको तेरे पास लाते हैं
है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते कि तूने उनसे बातें की है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उनकी जरूरतों को तू मांगने से पहले जानता है। अपनी शांति उनको दे परमेश्वर, अपने आप को उन पर प्रकट कर परमेश्वर, जो सच्चाई है परमेश्वर। तूने कहा है मैं ही जीवन हूँ, और परमेश्वर तू ये उनको प्रकट कर परमेश्वर, आत्मा में तू उनसे बातें कर परमेश्वर। होने दे परमेश्वर वे तेरे अनंतकालिक जीवन को पाए, तेरी खुशी को पाए, तेरे प्यार को पाए परमेश्वर जो तू देता है हर एक को परमेश्वर। कैसी भी कोई कुछ न हो परमेश्वर, लेकिन तू उनसे प्यार करता है परमेश्वर, तेरे प्यार को महसूस करने पाए। उनके दिलों को खोल परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को तू जानता है, उनके कष्टों को तू देखता है, उनके आंसुओं को तू जानता है परमेश्वर। तू उनके आंसुओं को पोछ, उनकी हर परेशानियों को दूर करके तू अपनी असीम शांति उनको दे परमेश्वर। यही दुआ हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर, उनकी बेटी के लिए परमेश्वर, पूरी तरह से छुटकारा दे, जो भी परेशानी है उसको दूर कर, और अपनी शांति से तू उसे भर परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, तू अपने आप को उन पर प्रकट कर परमेश्वर, अपने लोगों के बीच में प्यार को महसूस करने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर कर एक आशीषवार नई जीवन तू उनको दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसी प्रकार संजय और इंदु भाई उस परिवार को परमेश्वर, ब्रदर और सिस्टर को तेरे हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, उनको भी तू अपने अनंतकालिक जीवन से भर परमेश्वर, तेरी शांति से परमेश्वर, तेरे प्यार से परमेश्वर, जो इस दुनिया की कोई भी चीज नहीं देती परमेश्वर। तू देने वाला है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। अपने आशीषों से तू उनको भर परमेश्वर, तेरे नजदीकी में ला परमेश्वर, तेरे परमेश्वर तेरे प्यार को वो चखने पाए परमेश्वर, तेरे प्यार को वो अनुभव करने पाए परमेश्वर। ऐसा तू होने दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसी प्रभाव तमाम भाई और बहनों के लिए परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करते हैं परमेश्वर, लेकिन वो तुझे नहीं जानते परमेश्वर। आज तक परमेश्वर वो सच्चाई उन पर प्रकट नहीं हुई परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उनकी आत्मिक आंखों को कानों को खोल परमेश्वर, सच्चाई को देखने पाए परमेश्वर, उस अनंत जीवन को पाए परमेश्वर। किसी एक का भी नाश न हो परमेश्वर, लेकिन तेरी शांति से तेरे आशीषों से भर जाए, ऐसा तू होने दे परमेश्वर। तू दया कर परमेश्वर, अगर तूने दया नहीं करी तो हम सबका नाश होगा, लेकिन परमेश्वर तू अपनी दया कर, अपने आप को परमेश्वर उन पर प्रकट कर, उनके कठोर मनों को तोड़, उनके झूठे विश्वास को तोड़, और अपने आप को प्रकट कर परमेश्वर, अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा परमेश्वर, और अपने आप को अपने स्वर्ग दूतों को भेज परमेश्वर, और परमेश्वर हर तरह की शैतान की युक्ति योजनाओं को तू निसफल कर परमेश्वर। तूने कहा है कि जब हम एक मन होकर तुझसे प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर, और उन तमाम लोगों को परमेश्वर तू अनंतकालिक जीवन देगा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। शैतान की हर युक्ति योजनाओं को तू निसफल करेगा परमेश्वर। लोगों को तूने आया परमेश्वर, तूने अपना जीवन दिया कि उनको परमेश्वर उनको जीवन मिले परमेश्वर, और उसी जीवन को हम मांगते हैं परमेश्वर, तेरे द्वारा, तेरे सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर। तेरा आत्मा का धर्म संजीवन भेज परमेश्वर। होने दे परमेश्वर, लोग तुझे देखे, तेरे वचन को परमेश्वर समझे जाने, और उनकी आंखें खोली जाए, ऐसा तू होने दे परमेश्वर। क्योंकि दया करने वाला परमेश्वर तू है, तूने हमसे प्रेम किया परमेश्वर, तूने ये हमें अपने आप को हम पर प्रकट किया परमेश्वर, अनेक लोगों पर भी प्रकट कर परमेश्वर, भूखे आत्माओं को तेरे पास ला परमेश्वर, हमारा उपयोग कर ले परमेश्वर, हमें तू अपनी सामर्थ्य से भर परमेश्वर, ताकि हम लोगों के सामने तेरे प्यार को दिखा सके परमेश्वर, तेरे जीवन को हम प्रकट करने पाए परमेश्वर, ऐसा तू हमें बना परमेश्वर। हम तेरा फिर एक बार धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों को जो एक साथ होकर परमेश्वर आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्येक एक आदमी को परमेश्वर तू आशीष दे परमेश्वर, अपने आत्मा के द्वारा भर परमेश्वर, अपनी शांति के द्वारा भर परमेश्वर, हर परमेश्वर
हर तकलीफों को तू दूर कर परमेश्वर, और तेरी आशीष शांति से भर दे परमेश्वर, हर जरूरतों को पूरा कर। प्यार बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, उन जवान बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, हम नहीं जानते हम उनको कैसे संभाले कई बार परमेश्वर, लेकिन तू तेरी आत्मा के द्वारा तू उनसे भर परमेश्वर, और परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य दे कि अपने हर अभिलाषाओं पर जय पाकर परमेश्वर तेरे नजदीकी में पवित्रता में चलने वाले बन सके, और उनके जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो परमेश्वर, ऐसा तू कर परमेश्वर। शैतान की हर युक्तियों को तू निष्फल कर परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर, और हम अपने सारे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे लहू से उनको कवर करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर होने दे परमेश्वर इस दुनिया में परमेश्वर, सारी जगह तेरी आत्मा का परमेश्वर सामर्थ्य के साथ आगमन हो परमेश्वर, तेरी आत्मा सारी दुनिया में फैले परमेश्वर, धर्म संजीवन ला परमेश्वर, लोगों की आंखों को खोल परमेश्वर, सच्चाई को दिखने दे परमेश्वर। ऐसी दुआ हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, और हमारी प्रार्थनाओं को तू सुनकर अपने अपने स्वर्ग दूतों को और अपनी आत्माओं को तू उंडेलता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हम इस प्रार्थना सभा को तेरे हाथों में फिर सौंप देते, छोटी सी बिनती यीशु मसीह के मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रार्थना में अगुवाई के लिए धन्यवाद। सिस्टर बीना आप लाइन पर हैं, तो समय होगा कि आप गाने के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। मैं लाइन में हूँ, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं हिंदी गाना चाहती हूँ, आप किसी को भी जानते हैं तो आप मेरे साथ जा सकते हैं। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा तो मैं ना गाऊंगा उसकी, मुझे बचा लिया तूने अपना खून बहाकर, मुझे बचा लिया तो मैं ना गाऊंगा गीत के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया, इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, तो मैं ना गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा, कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया, जो मैं ना गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की जैसे कि उसने कहा, मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में जैसे कि उसने कहा, हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, तो मैं ना गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ
कराने कौन भी उसका बहाव, इतना अनोखा है प्यार प्रभु का मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जो मैं ना गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। थैंक यू सिस्टर बीना। ये हिंदी के अंदर बहुत पुराना गाना है और बहुत ही अनॉइंटिंग से भरा हुआ गाना है। मैं इससे पहले कि सिस्टर मुलम्मा को समय दूं, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हम इन परमेश्वर की आत्मा में लिखे हुए गानों को कम ना समझें। मैं एक ऐसे मित्र को जानता हूं, प्रभु में ऐसे मित्र को जानता हूं जो हिंदू परिवार से था और वो सिर्फ ये गाना सुनकर कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, उसको सुनकर ही उसका मन परिवर्तित हुआ। तो सिस्टर आपका धन्यवाद करते हैं गाने के लिए। और सिस्टर चेरियन, आप हम जो लाइन पर हैं, आपके लिए समय होगा कि आप अपनी गवाही देना चाहती हैं, तो आपके लिए कुछ समय होगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती है। और कल रात को हम लोगों ने इधर हमारा स्लम एरिया में मतलब प्रेयर चल रही थी, तो हम लोगों ने प्रेयर करके बाहर निकलने का टाइम परमेश्वर का दास मतलब मेरा हस्बैंड है उधर मतलब खड़े होकर मतलब हमारा विश्वासी लोगों से बात करने का टाइम उनका जो उधर बात को, ये दो बच्चे लोग हमारा चर्च में आते हैं, उनका नाम है पिंकी है एक का, उनका बेटी का नाम, वो उनको बात करके खड़ा रहने का समय उनका मामा आया। वो लोग विश्वास में नहीं है, वो लोग ये अंबेडकर साहब का आराधना करने वाला लोग है। उन लोगों का वो मामा आके मतलब मम्मी का ब्रदर आके बोला, तुम क्यों ऐसा मतलब पैसा क्यों नहीं देता है, तुम लोगों ने क्रिश्चियन बनाते तो पैसा देके क्रिश्चियन बनाता है, ऐसा करके मतलब बोलने लगा। तो पास्टर ने बोला ऐसा नहीं है, हम लोगों किसी को पैसा नहीं देता है, सब जो चर्च में आता है और उनको अच्छा हो जाता है, उनको जो भी गंदा आदत है दारू पीता है सब निकल जाता है, उसके लिए चर्च में आते बोला। इतना बोलने में 10-15-20 जवान लोग उधर इकट्ठा हो गए अम्बेडकर साहब का, वो लोगों ने आके मतलब पास्टर साहब का गाड़ी को खींचा, तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं करने का, बोल गाड़ी लेके आने को लगा तो वो और भी लोग आके उनको घेर लिया और उनको आगे नहीं आ सकता था, और पीछे उन लोगों ने गाड़ी को खींचा और पीछे से आके कॉलर पकड़कर पीछे से उनको मारा। तो मारने के बाद में हमारा चर्च का ही लोग आ गया उनको बचाने के लिए, लेकिन कोई भी बचा नहीं पाया, उनको ही खींच कर उन लोगों ने लेके गया, तुम उनको क्यों बचाने का बोल के उनको लेके गया। और हमारा कलिशा का एक बहन उसका बाजू में रहते थे और उनको जाके बोलने के लिए एक हमारा चर्च का बहन गया, जाके उनको बोला देखो तुम्हारा पास्टर साहब को उधर अपना पास्टर साहब को मार रहे उधर उन लोगों ने, मम्मी किधर है जल्दी आओ बोला। तो उन लोगों ने जाके वो देखा तो आंटी नहीं था उधर, वो आंटी का थोड़ा उधर प्रभाव है, वो लोग चलता है, वो पंजाबी आंटी है, पंजाब से आया हुआ आंटी है, पंजाबी परिवार से आया है। तो आंटी ने उनको जाके समझाने के लिए वो फोन, तो उनके साथ मैं भी था थी, मैंने उनका बेटे ने फोन किया मम्मी जल्दी आओ अपना पास्टर साहब को उधर मार रहा है तो आप जल्दी आओ बोला। तो इतने में हम लोगों ने जल्दी एक रिक्शा पकड़ कर उनका पास आ गया, तो उनको थोड़ा सा जगह मिल गया था, थोड़ा लोग अट गया था, तो उधर से जल्दी उन्होंने अपना गाड़ी लेकर आया था, इधर एक कोपचे में आकर खड़ा हो गया क्योंकि घर पे घुस गया तो वो लोग शायद घर पे आ सकते करके, तो वो लोग उधर खड़ा था। हम लोगों ने फिर तब तक हमारा चर्च का और कोई भाई बहन लोग भी आ गया, तो परमेश्वर ने हम लोगों को बड़ा एक बड़ा सा मारामारी से बचाया। लेकिन वो लोगों ने बहुत मतलब गुंडे लोग और बहुत मतलब खराब है वो एरिया का लोग है, क्योंकि स्लम एरिया में रहता है तो लोगों इतना पढ़े लिखे नहीं है कोई, फिर बाद में भी उन लोगों का घर में भी आपस में ऐसा झगड़ा हो गया अभी के तुम लोग चर्च में नहीं जाने का है बोलकर, उन लोगों का घर में भी जो विश्वास में नहीं है वो लोग भी आपस में बहुत झगड़ा किया बोल के,
हम लोगों को संदेशा मिला है, तो वो लोग सब नया नया लोग है, विश्वास में कमजोर ना होने के लिए, विश्वास में मजबूत रहने के लिए, और आगे हमारा जीवन में भी कुछ वो लोग समस्या उधर से आते जाते समय नहीं करने के लिए आप लोग विशेष करके हमारे लिए प्रार्थना करने का, यही मेरा गवाही है। आप लोगों का प्रार्थना का बहुत जरूरी है इन दिनों में, नहीं तो वो लोग आगे भी कुछ भी झगड़ा कर सकते हैं। इसलिए हमारे भाई लोगों से भी हम लोगों ने बोला है अभी अपन कुछ भी नहीं बोलने का, और वो लोग बोला काउंसलेटर के पास जाके, इधर का जो नगर सेवक है उनके पास जाके सब अपन कंप्लेंट दे सकते करके, तो हम लोगों ने उसको मन लोगों को मना किया है, क्योंकि अभी एरिया में हम लोगों को रहने का है करके, क्योंकि और आगे वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि वो थोड़ा गुंडा टाइप लोग है, तो इन लोगों के लिए आप लोग प्रार्थना करने का, उन लोग मन फिर के प्रभु में आने के लिए, और आगे कोई मारा मारी कोई प्रभु की सेवगाई उस इलाका में करने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो लोग आते हैं वो लोग विश्वास में ऐसा पास्टर को मारा करके वो लोग डर गया लगता है। उसके बाद हम लोगों ने फोन करके उनको बुलाया, हमारे घर तक आओ थोड़ा सा बात करके जाओ करके, वो लोग आया नहीं है, क्योंकि उन लोगों को आ नहीं सकता है, इतना उन लोगों को डर है, क्योंकि वो लोग उनको भी मार सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग जरूर हमारे लिए प्रार्थना करने का, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आगे ना होने के लिए, और जो गुंडे लोग हैं जो मारते हैं उन लोग प्रभु में आने के लिए, उनका अंदर एक पश्चाताप का आत्मा देने के लिए आप लोग प्रार्थना करने का बोलकर मेरे गवाही बंद करते हैं। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। आपने बिल्कुल हृदय को छूने वाली गवाही दी, और आपने तो सब कुछ देखा और महसूस करा और उस समय थे। इससे पहले कि मैं प्रार्थना को आगे बढ़ाऊं, मैं यहाँ पर हर एक भाई या बहन से प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त हम लोग उस परिवार के लिए, ब्रदर चेरियन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उस सिस्टर पिंकी के लिए प्रार्थना करेंगे जो प्रभु में आ रहे हैं, और जिनको उनके परिवार के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो गलत फहमी में है और जो है वो परमेश्वर की कृपा को और परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजे और उसका भय दूसरे लोगों पर ऐसा हो कि लोग जो है परमेश्वर के जन के ऊपर हाथ उठाने से, परमेश्वर के जन को ऊपर हाथ ना उठाएं। दूसरी बात, परमेश्वर के दूत परमेश्वर के जन की देखभाल करें, हम उनके प्रोटेक्शन के लिए और चर्च के तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। और जैसा हम लोग प्रार्थनाओं में कर रहे हैं कि भारत में बहुत कॉमन हो चुका है कि गुंडागर्दी के द्वारा गुंडों को लाके परमेश्वर के जन को धमकाना, तो इससे पहले कि हम आगे जाए, कोई भाई या बहन बर्डन के साथ इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, इतना समय तक प्रभु जी तेरे चरणों पर बैठ के तेरी स्तुति करने के लिए, प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी हमको तेरे से बात करने के लिए तूने हमारे जिंदगी में दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं प्रभु जी। इस वक्त प्रभु जी तेरा गवाही बनकर तेरा टेस्टिफाई किया हुआ मोड़ा मांटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो उनके हस्बैंड पास्टर शरियान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरा दास प्रभु जी तेरा काम करते वक्त प्रभु जी तेरा प्रभु जी जो कठिनाई पिछले दिनों में उनके जिंदगी में हुआ प्रभु जी, अनर्थ व्यसन कारण बने बिना प्रभु जी तूने उनके जिंदगी को बचाया प्रभु जी, उनके जान को बचाया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारा आंसू दुख से बरस जाने का सारा मौका हमारे सामने था, लेकिन प्रभु जी तूने उन सब से बचा के रखा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनकी वाइफ जो अभी गवाही बोला उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी तेरे दासी के लिए प्रार्थना करते हैं, तू उनको बलवंत कर, तू उनको शक्ति कर प्रभु जी। प्रभु जी तेरे दास की वो जो मिनिस्ट्री जो है इस वजह से अधिक वो बढ़ने के लिए और तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु जी होने के लिए तू उनको सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। उनके चर्च के
सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सब बातों से किसी का भी मन प्रभु जी हिल ना जाए प्रभु जी, और अधिक अधिक से अधिक प्रभु में बढ़ने के लिए तो उनको सहायता कर, अधिक से अधिक कृपा से तुम लोगों को भर दे प्रभु जी। खास करके वो पिंकी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु में आ रही है प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की बच्चा बनकर जीने के लिए, तो उनका जिंदगी में अच्छा भाग्य दे, अच्छा कृपा दे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जो जो भी गुंडागर्दी वाले लोग हैं प्रभु जी, जिन्होंने भी ये प्रभु का दास के ऊपर हाथ उठाया प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आगे कभी भी ऐसा काम करने ना पाए प्रभु जी। सब हमारे मिनिस्ट्री करने वाले, इंडिया में मिनिस्ट्री करने वाले दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे लहू से तू उनको कवर कर प्रभु जी, कोई भी शैतान दृष्टि उन पर ना लगे प्रभु जी। जिन्होंने भी ऐसा उनके दिल में परमेश्वर का प्रेम से तो उनको भर दे प्रभु जी। हम कुछ भी वापस उल्टा नहीं करते प्रभु जी। प्रभु का वचन कहता है एक चेहरा पर कोई मारे तो दूसरा चेहरा भी दिखाने को प्रभु जी। हम जब ऐसा करते हैं तो उनके दिल में प्रभु का प्यार से भर जाए, और वो लोग भी प्रभु जी ये परमेश्वर के बच्चे हैं समझ के परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु जी चरणों पर अपनी गलतियों से माफी मांग कर मुड़ के प्रभु जी तेरे बच्चे बनने के लिए तू उन लोगों को सहायता कर प्रभु जी। ऐसे तेरे दासी को और तेरे दास को प्रभु जी एक और बार तेरे हाथों में समर्पित, उनके चर्चों को समर्पित कर दे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा आशीष से और शांति से भर दे। तूने हम लोगों को प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते, सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परमेश्वर। धन्यवाद सिस्टर, प्रार्थना में अगुवाई के लिए बहुत धन्यवाद। मैं प्रेरितों के काम उसके चौथे अध्याय से पढ़ रहा हूँ। पत्रस और यहुन्ना वहां से छूटकर अपने साथियों के पास आए, उन्होंने महायाजकों और धर्मवृद्धों ने जो कुछ उनसे कहा था वो सब उनको बताया। यह सुनकर उनके साथियों ने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से ये प्रार्थना की, स्वामी तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पूर्वज दाऊद के मुंह से यूं कहा था, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया, देश देश के लोग क्यों व्यर्थ की बातें सोचते हैं, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हो गए हैं, शासक एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसे तूने अभिषेक किया था, हेरोदेस और पिंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए थे, ताकि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और योजना में निर्धारित किया गया था वही करें। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने सेवकों को ये वरदान दे कि वे तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए। स्वस्थ करने के लिए तो अपना हाथ बढ़ा, ताकि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। हे परमेश्वर यहोवा, तेरे नाम का गुणगान करते हैं, और ये वचन जो तेरे अद्भुत और अटल वचन है, हम इसको क्लेम करते हैं प्रभु। हमारे बीच में सिस्टर चेरियन और पास्टर और उस छोटी सी कलीसिया जो बॉम्बे के अंदर है, उसके लिए हम क्लेम करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, कि उनको साहस दे और अद्भुत चिन्ह के साथ तेरा वचन सुनाया जाए, और अद्भुत साहस दे प्रभु, उनको प्रोटेक्शन कर। और प्रभु जितने भी लोग तेरे नाम से खड़े होते हैं, जितने भी लोग तेरे नाम से सताए जाते हैं, उनके द्वारा प्रभु तू सताए जाने वालों के बीच में कार्य कर प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। अब हम प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाते हुए, मैं पास्टर जैन अब लाइन पर है या लाइन पर है डॉक्टर साहब? मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करें। हर प्रभु जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा आशीष अनुग्रह और अच्छी
प्रभु की अच्छी रखवाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। हाँ, अनेक विषयों के लिए हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रार्थना कर रहे थे, अनेक गवाही हम सुन रहे थे। हर चीज का सोल्यूशन यीशु मसीह केवल है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हर बीमारी का अलग अलग मेडिसिन लिखता है। पेन किलर अगर एक इफेक्ट नहीं होता है तो दूसरा लिखता है, लेकिन यहाँ पर चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो भौतिक रूप से कठिनाई हो, चाहे मानसिक दुख दर्द हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही मेडिसिन है, वो यीशु मसीह है। और जरूर उस प्रभु का सानिध्य हमारे हर जरूरतों को पूरा करेगा, हर जरूरतों को। इस प्रेयर लाइन में आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी जरूरत आपकी जिंदगी में हो, मैं एक प्रभु के दास के नाते इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर प्रिय प्रभु जन के साथ मिलकर ये बोलना चाहता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर वापस नहीं जाएगा। Amen. आप अपने बीमारी के साथ वापस नहीं जाएगा। Amen. आप अपने मन के उस दुख और दर्द के साथ वापस नहीं जाएगा। Amen. हमें आपको अलग अलग मेडिसिन और तरीका बताने का जरूरत नहीं है। आपकी जरूरतें डिफरेंट हो सकता है, आपकी बीमारी अलग अलग हो सकता है, आपके हालात अलग हो सकता है, लेकिन हर चीज का एक ही मेडिसिन है, एक ही सोल्यूशन है, वो ही आपके कानों में गूंज रहा है, वो केवल यीशु मसीह है। और इस वक्त आप यीशु मसीह के चरणों में प्रार्थना में उनके सन्निधान में जो समय व्यतीत कर रहा है, इस वजह से आपके बच्चे आशीष पा रहा है, आपकी बीमारी दूर हो रहा है, आपके दिल का दुख और दर्द प्रभु की आत्मा आपके अंदर से पूर्ण रूप से दूर कर रहा है, वो सारा अंधकार शक्ति आपसे अलग हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का सानिध्य इस प्रेयर लाइन में प्रार्थना करने वाले जनों के साथ, इस प्रेयर लाइन की आवाज सुनने वाले हर जगह पर पहुंच चुका है। आमीन। इस रात हम एक कलाम पढ़ेंगे, पहला शमूएल की किताब तीसरा तीसवा अध्याय, चैप्टर 30 वर्स 13 13वां वाक्य लिंदा पढ़कर सुनाओ। तब दाऊद ने उससे पूछा, तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान और एक अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ा और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सवाल यह है, क्वेश्चन है, तुम्हारा मालिक कौन है? अदुआ, तुम किसका जन है? तुम कहां से आया हुआ है? तुम कहां को जा रहा है? तुम्हारा इस बदतर हालत का जिम्मेदार कौन है? इस मनुष्य उस क्वेश्चन का जवाब देता है। उसका कहना है, मैं एक जवान हूं, मैं एक मिस्री जवान हूं, मैं एक भटका हुआ इंसान नहीं है, मुझे एक मालिक है जो अमाली है, लेकिन मैं बीमार पड़ने की वजह से उसने मुझे छोड़कर चला गया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, प्रभु की आत्मा इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपको एक पहचान देना चाहता है, आपके अंदर एक सोच एक विचार डालना चाहता है, आपके इस हालात का जिम्मेदार कौन है? ये जवान व्यक्ति बोलता है कि मैं 3 दिन से बीमार हूं और मेरा स्वामी मुझे छोड़कर चला गया, मैं 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं हूं। उसके बाद वापस फिर उसने उसको उसके बाद वापस अगर नीचे आप पढ़ेंगे तो उधर लिखा है 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई
ना पानी पिया। जरा सोचिएगा, एक पल रुकिएगा और सोचिएगा, आपका इस हालात का जिम्मेदार कौन है? आप किसका सेवा करते करते इस हालात तक पहुंच चुका है? आपका वो मालिक जो आपके जवान होने के नाते आपके जिंदगी में आपसे हर फायदा उठाता रहा, आप बीमार पड़ने पर, आप कंगाल हो जाने पर, आपके तबीयत खराब हो जाने पर, आपको मैदान पर मरने के लिए छोड़कर चला गया है, तो इस रात हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा, हम प्रभुजन इस प्रेयर लाइन के द्वारा एक ऐसा मालिक से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता है जो आपके जिंदगी के किसी भी दौर पर, किसी भी हालात पर आपको अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। यहां सुनिएगा, उसका गैरवा पत्र में ऐसा लिखता है, उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसे दाऊद के पास लेकर आया। दाऊद सवाल पूछने से पहले उसे रोटी दी, पानी पिलाया, अजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और दो गुच्छे किशमिश दी, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। इस रात प्रभु आपके साथ यही करना चाहता है, आपके हालातों के तरफ इशारा करने के बावजूद, आपको गलत साबित करने से ज्यादा प्रभु यह चाहता है कि आपकी जरूरतों को पूरा करे। वो जानता है कि आप तीन दिन से रोटी नहीं खाया है, पानी नहीं पिया है, आपको रोटी का जरूरत है। केवल रोटी ही नहीं, पानी भी वो पिलाना चाहता है। इतना ही नहीं, अजीर की टिकिया भी आपको देना चाहता है, उससे भी प्रभु का दिल नहीं भरता है, वो अंगूर और किशमिश भी आपको खिलाना चाहता है, आपके जी में जी लाना चाहता है, आपके अंदर ताकत डालना चाहता है, आपकी बीमारी के हालात से आपको हाथ पकड़ कर उठाना चाहता है। इस प्रेयर लाइन के द्वारा, हर प्रेयर मीटिंग के द्वारा प्रभु यही करता है। लेकिन इतना ही में आप संतुष्ट ना होइएगा, जरूर सोचिएगा कि आपकी इस हालात का वजह कौन है, कौन है आपका मालिक, आप कहां को जा रहा है, कहां से आया हुआ है। एक अच्छा मित्र जो आपको अपना बनाना चाहता है, उसे आप कभी भी दूर मत होइएगा। मैं आपको प्रेरितों की किताब से एक्ट चैप्टर 27 20, 22, 23, 24 और 25 ये वाक्य पढ़कर सुनाने चाहूंगा। जरा सुनिएगा ख्याल से, प्रेरितों के काम 27वां अध्याय उसका 20वीं पद। और जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते और ना यह विपत और हानि उठाते। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्ग दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। क्या सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ। दाऊद पूछता है, तुम्हारा मालिक कौन है? जवाब, मैं एक जवान हूँ, मैं मिस्री हूँ, लेकिन मेरा मालिक मुझे छोड़कर चला गया। मेरी बीमारी की हालत में मुझे इस मैदान पर अकेला छोड़कर चला गया। मैं तीन दिन तक खाया भी नहीं, पिया भी नहीं। यहाँ सुनिएगा, पॉल बोलता है, मैं जिसका हूँ, जिसका सेवा करता हूँ, उसकी स्वर्गदूत ने आज रात
मेरे पास आकर कहा, हालात क्या है? 20वां वाक्य बोलता है, बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिया। मतलब यह हुआ, रात है या दिन है इसका पता ही नहीं चला। आदि भी चल रहा है। आगे लिखता है, बहुत दिनों तक भूखे रहे। ऐसे हालात जहां पर जिंदगी में रात हो गया है या सवेरा है इसका तक ख्याल नहीं। जान ले जाने तक आदि शक्ति के साथ जिंदगी के जहाज को डुबा देने तक कोशिश में लगा हुआ है। दिनों से खाने पीने का ख्याल ही नहीं रहा। ऐसे हालात पर पौल का बोलना है, मैं जिसका सेवक हूँ, जो मेरा मालिक है, उसने मेरे पास कल रात को खड़ा रहा और बोला, तुझे ही नहीं तेरे साथ कितने लोग हैं, इनका प्राण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मुझे सुनने वाले भाई बहन, दिन है या रात है इसका भी ख्याल, इसका भी फर्क समझना मुश्किल होगा। तूफान आदि आपकी जिंदगी में इतने ताकत के साथ अपना शक्ति और समर्थ दिखा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगला पल मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन इस प्रेयर लाइन हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया कि आपको ये बताए कि आपका प्राण को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। एक ऐसा स्वामी, एक ऐसा मालिक जो आपकी जिंदगी के बुरे दिनों में आपको अकेला नहीं छोड़कर जाने वाला है। वो ऐसे हालात पर आपके करीब खड़ा होकर आपको ये बोलता है, हिम्मत बांधो और अपने साथ वाले लोगों को ये बताओ कि तुम्हारा प्राण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। विश्वनाथ प्रभु की आत्मा आपको ये बताना चाहता है, ना आपका पति को, ना आपके बच्चों को, ना आपके साथ वाले लोगों को ये आग कोई नुकसान पहुंचाएगा। ये हालात कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एक आत्मा मित्र के बारे में मैं आपको बताना चाहता है, जो आपके कठिन हालातों में आपको दर दर भटकने के लिए, मरने के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। वो आपके साथ खड़ा रहेगा। वो ये पक्का करेगा कि आपके प्राण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। योग के बारे में हम पढ़ता है, हम जानता है, शैतान को प्रभु बोलता है, तू उसके प्राण को नहीं छूना। इस रात हम इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु के कलाम, जो ये दुनिया खत्म होने पर भी नहीं खत्म होता है, इस कलाम को उठाकर ये बोलना चाहता है, एक ऐसा दोस्त आपकी जिंदगी में आप अपना साथ ले सकता है, उस दोस्त का हाथ पकड़ सकता है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रोवर्ब्स में ऐसा एक वाक्य है, जरा उठाइएगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20:6। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? वहाँ पर ऐसा पूछता है, सब लोग कृपा का प्रचार करता है। अगर $100 आपको दे दिया, 10 लोगों से बोलता है कि उस इंसान को मैंने $100 देकर कृपा किया, शायद हम सब लोग को कोई तो जरूर हमारा ऊपर कृपा दिखाया होगा। लेकिन कलाम ये पूछना चाहता है, सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? एक सच्चा पुरुष जो बिना मतलब का, बिना फायदा देके, बिना किसी के द्वारा उसके नाम उसने ऐसा किया है यह सुनना ना चाहकर आपको मदद करने वाला एक सच्चा पुरुष कौन पा सकता है? मैं बोल सकता है, यीशु मसीह एक ऐसा सच्चा पुरुष है जो आज तक मुझसे कुछ भी वापस नहीं पूछा। कितना बार मैंने उसे
दुख दिया, दर्द दिया, कितना बार मैंने उससे उस धन्यवाद मतलब थैंक्स गिविंग एक हार्ट के बिना व्यवहार किया, फिर भी बचपन से लेके आज तक यीशु मसीह एक सच्चा पुरुष बनकर मेरा साथ रहा। एक वाक्य और पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 18, मैं जल्दी क्लोज करूंगा, 17:17 याद रखिएगा, प्रोवर्ब्स 17:17, मित्र सब समय एक साथ प्रेम रखता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, ऐसा कौन सा मित्र है जो हमेशा एक साथ प्यार कर सकता है? अगर थोड़ा सा बीबी को इग्नोर करो उसका मुंह काला हो जाता है, आवाज में शक्ति आ जाता है। पति को बराबर उसका सेवा ना करो, थोड़ा पति को इग्नोर करो ऊंचे आवाज से गुस्से से बोला करता है। ना माँ बाप बच्चों को, ना बच्चे माँ बाप को हर हालात पर एक जैसा नहीं प्यार कर सकता है। आप अगर कंपनी में काम करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाए, वो ओनर जो आपको आज तक सैलरी इंक्रीज करता था, वो आपको टर्मिनेट करने के लिए अपना पेन चला सकता है। जिंदगी में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो हर वक्त हमेशा एक सा प्यार कर सकता है। केवल एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह, जो आपको हमेशा एक सा एक जैसा प्यार करता है। कलाम बोलता है विपत्ति का दिन, थोड़ा पढ़ो लिंडा वो वाक्य प्रोवर्ब्स 17:17। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। विपत्ति के दिन, बीमार के समय आपको मैदान में अकेला छोड़कर नहीं जाता, वो आपके साथ भाई बनकर आपके विपत्ति में आपका साथ चलता है। आंखें एक पल बंद कीजिएगा, हम लोग बहुत सारे न्यूज सुन रहा है, दोस्त लोग एक साथ स्प्रिंग ब्रेक मनाने के लिए दूसरा एक स्टेट पे गया और वहां पे अपना दोस्त को मृत्यु अथवा मृत्यु के हालात में ढकेल दिया। हम नहीं जानता लास्ट क्या है, लेकिन वो सारे दोस्त लोग मृत्यु के खबर के बाद वहां से भाग कर निकला। आज किसी की दोस्ती पर इकरार नहीं कर सकता है, किसी के प्यार पर इकरार नहीं कर सकता है। अगला पल आपको कोई भी धोखा दे सकता है। एक सच्चा पुरुष इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। उस मिस्री का बोलना है कि मैं एक जवान हूं, मुझे एक मालिक था, लेकिन उसने मुझे इस मैदान पर अकेला छोड़कर चला गया। मैं बीमार होने के नाते मरने के लिए छोड़कर चला गया। मैं 3 दिन से रोटी नहीं खाया, पानी नहीं पिया। दाऊद बोलता है मत डर, इसे रोटी दे, इसे पानी दे, उसके अंदर में जीत पर जी आने दे, ताकत आने दे। इस रात ख्याल से सुनिएगा, अपना मालिक कौन है, आप किसका सेवा करता है, आपका मित्र कौन है, आपका मित्र एक सच्चा पुरुष है या नहीं। इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपको मैं एक ही बात बोलना चाहता है, वो इंसान केवल यीशु मसीह है, वो मित्र केवल यीशु मसीह है, वो सच्चा पुरुष केवल यीशु मसीह है। कलाम कहता है उसने मेरे लिए फायदा हुआ, कलाम कहता है उसने मेरे लिए मृत्यु स्वीकार किया, कलाम कहता है उसने मेरे लिए जिंदा हुआ, कलाम कहता है वो मेरे लिए पिता के दाहिने ओर बैठकर मेरे लिए निवेदन करता है। बाइबल बोलता है मुझे अपना साथ ले जाने के लिए वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं ये आपको बोलना चाहता है कि पास्टर जैन के लिए इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। आप अपना नाम ले लीजिएगा, आपके लिए कोई पैदा इस दुनिया में नहीं हुआ, ना ही आपका डैडी मम्मी आपके लिए पैदा हुआ। लेकिन कलाम बोलता है कि यीशु मसीह एक ऐसा अकेला मित्र है जो आपके लिए पैदा हुआ, आपके लिए मरा, आपके लिए जीवित हुआ, आपके लिए स्वर्गारोहण किया, आपके लिए पिता की दाहिने ओर बैठा है, आपको ले जाने के लिए वो बहुत जल्दी आने वाला है। आंखें बंद कीजिएगा, मैं आपको पूछना चाहता है उस यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए आप तैयार है या नहीं है। चाहे आपका दर्द, आपका दिल इसलिए दुख रहा होगा कि
आपके मित्र ने आपको धोखा दिया होगा, जो लोग आपसे फायदा उठाया वो लोग आपकी विपत्ति के समय आपको मरने के लिए अकेला छोड़ गया होगा। जरा सोचिएगा उस तकलीफ के दिन, उस बुराई के दिन आपका साथ देने वाला लोग भी आपके साथ ना देना छोड़कर आपके अगेंस्ट में नहीं बोला, लेकिन एक ऐसा मित्र जो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकता है। पॉल बोलता है सूर्य देखकर तारा देखकर दिन बहुत हो गया, रात है या दिन है नहीं पता, लेकिन मेरा प्रभु मेरा पास कल रात को आकर खड़ा हुआ। एक और वाक्य पढ़िएगा, उसी लग जाएगा। अपोस्तल प्रेरितों का कार्य 27:25 पद पढ़िएगा, थोड़ा पढ़िए उस दिन, जल्दी पढ़िए, मैं क्लोज करूंगा। जब यह जहाज पर लगी तब वह हवा के सामने ठहर ना सका, सो हमने उसे बहने दिया। 27:25 पद, मुझे उस प्रभु पर विश्वास है। और बोलता है, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझे कहा गया है वैसा ही होगा। जैसा मेरा मालिक मुझसे बोला वैसा ही होगा। ये कलाम इतना सख्ती के साथ इसलिए बोलता है, हम लोग के जिंदगी में प्रभु जैसा बोला वैसा ही हुआ। यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कीजिएगा, प्रभु के प्यार के लिए अपना जीवन समर्पित कीजिएगा। इस रात को प्रभु आपके हालात जानता है, आप 3 दिन से भूखा है प्यासा है ये प्रभु समझता है, आपके बीमारी के हालात प्रभु जानता है, आपकी तकलीफ प्रभु समझता है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले आपको वो रोटी देना चाहता है, पानी पिलाना चाहता है, अंगूर देना चाहता है, किसमिस देना चाहता है, ताकि आपके अंदर वो शक्ति वापस आपको मिल जाए। प्रभु जी इस कलाम के ऊपर हाथ रखकर एक छोटे प्रभु के दास के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये दुनिया अधूरा जिंदगी हर जगह धोखाबाजी का, इस जिंदगी में हमें ऐसा एक दोस्त जो हमारा यीशु मसीह है हम लोग की जिंदगी में मिलने की वजह से हम लोग इतना खुशी इतना शांति महसूस करता है। प्रभु जी अगर इस पहल के द्वारा कोई भी भाई बहन ये आवाज सुन रहा है और उसकी जिंदगी में एक ऐसा दोस्त आज तक उसे नहीं मिला है, इस रात ये पूर्णोप करने से पहले उस प्रभु के हाथ में अपने हाथ अपने जिंदगी अपने परिवार अपने बच्चों को देकर समर्पित कर प्रार्थना करके जाने का मौका उनके जिंदगी में दीजिएगा। प्रभु जी इतना वक्त हम लोगों को एक साथ कलाम के सामने बैठने का अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद बोलता हूँ, हर चीज यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। थैंक यू पास्टर जैन, सुंदर वचन के लिए और ढाढ़स के लिए साहस के लिए और हमें बताने के लिए कि यीशु मसीह ही ऐसा एक हमारा मित्र है, हमारा अगुआ है, हमारा चरवाहा है, जो हमसे आगे चलता है, जिसने हमसे आगे चल के सब कुछ सहा और विपत्ति के दिन वो हमारा मित्र बन जाता है, हमारा भाई बन जाता है, हमको अपनी गोदी में उठा ले जाता है और हमको किसी विपत्ति में पड़ने नहीं देता। प्रार्थना सभा को हम अंतिम छोर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ विषय बाकी हैं, इसलिए मैं कुछ विषयों को कॉमन करूंगा। हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए प्रार्थना करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे के लिए अपने जवानों के लिए अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक आड़ बने रहें ताकि शैतान उनको छूने ना पाए। और प्रार्थना करेंगे कि जो बच्चे स्कूल को जा रहे हैं कॉलेजेस जा रहे हैं हाई स्कूल में हैं उनको परमेश्वर विजडम दे अंडरस्टैंडिंग दे ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे और वे संसार की इस चमक दमक से बचे रहें और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानकर आगे बढ़ें। और जैसा योशुआ ने कहा था कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा, वैसे ही हमारे बच्चे हमारे पीछे करें। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूं कि हम सिस्टर स्टर्ला की फैमिली के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार को एक रिवाइवल की जरूरत है, उनके पति के लिए, उनके बेटे के लिए, उनकी बेटी के लिए,
हम प्रार्थना करेंगे शाहजी की कंप्लीट हीलिंग के लिए, अनिल एंड फैमिली, अनु वर्गिस इन इस परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम ब्रदर विवेक की कंप्लीट हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे जो कुवैत में है। तो समय कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कोई भी भाई या बहन बच्चों के लिए खासतौर से और बोले गए विषयों के लिए सिस्टर स्टरला, शाहजी, अनु वर्गीस एंड अनिल एंड फैमिली के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर आपके समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु। इस प्रेयर लाइन के द्वारा हम और एक बार हमको आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आप कितना महान है, आप कितना बला है करके और एक बार बोलने के लिए, हमारा जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु हम लोगों को सुनाए हुए आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप हमारा ऐसा मित्र है प्रभु, आप हमारे को कभी भी अकेला छोड़ कर ना जाने वाले प्रभु। इस दुनिया के हर एक अवस्था हम लोगों को ना करके बोलने वाला अवस्था है प्रभु। हम लोगों को अकेला छोड़ कर जाने वाले इस दुनिया पर हमारे प्रभु प्रभु परमेश्वर हमारे को कभी भी अकेला छोड़ कर ना जाने वाले प्रभु है प्रभु। आपके वचन के अधिकार पर इस वक्त हालेलुया आपके दास बोला वाला प्रेयर का रिक्वेस्ट के आपके सामने रखा है प्रभु। हालेलुया प्रभु हम इस दिन पर हमारा पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम आपको हाथों पर समर्पित कर प्रार्थना करते प्रभु। आप हमसे आज आपका वचन से बोला है प्रभु, इस दुनिया के कोई भी तूफान हमारा जहाज पर, हमारा जीवन का जहाज पर कभी भी हम खतरे पर छोड़ेगा नहीं प्रभु। आप बोला है प्रभु, आपका वचन से आप हमसे बात कर रहे हैं प्रभु। हम और हमारा बच्चों को, हमारा परिवार को, हमारा भाई और बहनों को कोई भी हानि नहीं होगा करके आपका वचन से हमको हालेलुया वादा दिया हुआ प्रभु। उस वचन को हम क्लेम करके हम अपना भाई बहनों को, हमारा परिवार को, हमारा बच्चों को हे हो हालेलुया आपके हाथों पर हम समर्पित करता प्रभु। आप हमको हमारे लिए केवल नहीं प्रभु, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को आशीर्वाद कर इस दुनिया पर एक गवाही बनकर आपका अद्भुत महाकाम के लिए हमको खड़ा करेंगे करके हम विश्वास करता प्रभु। इसलिए हम इस वक्त हमारे बच्चों को और एक बार आपके हाथों में समर्पित करता प्रभु। हमारे दास प्रभु प्रेयर के लिए, हमारे भाई बहनों का संगाई के लिए नाम उठाकर हमारे भाई बहनों को आपके हाथों पर प्रेयर करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट किया प्रभु। सारे भाई बहनों को आपके हाथों पर हम समर्पित करता है प्रभु। आप निश्चय रूप से उनको चंगाई देगा प्रभु, उसको मरने के लिए और उसको बलहीन होने के लिए कभी भी हमारा प्रभु कभी भी इस तरह का अवस्था में हमें छोड़कर नहीं जाएगा प्रभु। आप हमको अंकुर देकर, हमारे ऊपर जीवन देकर, हमको पूर्ण रूप से उठान कर, हमारा जीवन पर पूर्ण रूप से हीलिंग देकर, आप हमारा जीवन पर आने वाले दिनों आपको महिमा देखने के लिए हो रहा हो आपका बहुत महिमा के लिए हमारा इस भाई बहनों को आगे के दिनों पर आप अपने हाथों का महिमा के लिए आप खड़ा करेगा प्रभु। इसके लिए आपको धन्यवाद देगा प्रभु। आपके हाथों पर अब छुटा छुट गया वाला हर चीजों को आपका हाथ पर समर्पित करता प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुनकर आपका आपका वचन अधिकार पर आप हमें छुटकारा देकर, हीलिंग देकर हमें हमको एक बड़ी बहुत बड़ा एक शक्ति के लिए आगे दिनों पर हमें आगे चलाएंगे प्रभु। हम पूर्ण रूप से आपका दिया हुआ वचन के अनुसार हम स्वीकार करता प्रभु, सब कुछ आपका समर्पित करता प्रभु। आप हमारा प्रार्थना सुन ले और ग्रहण ले प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। थैंक यू सिस्टर। हम प्रार्थना सभा के बिल्कुल अंतिम छोर पर है, लेकिन इसको हैंडओवर करने से पहले कुछ मेरे पास मिशन के नीड्स हैं और मैं उसको समय के अभाव में बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा। सो कृपया प्रार्थना में बने रहें। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, तेरे सम्मुख आते और तेरी धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। तूने आज तक संभाला है और तू आगे भी संभालेगा प्रभु। तेरे वचन जो अटल है, जो संसार की उत्पत्ति से पहले और संसार के नष्ट होने के बावजूद भी सदा सदा एक सा बना रहेगा, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरे सामने दीन
और नम्र होकर आते हैं और एक मन से प्रभु हम जहां कहीं भी हैं तुझसे इन मिशन विषयों के लिए मांगते हैं प्रभु। हम एक मन होकर तुझसे नाइजीरिया के लिए विनती करते हैं प्रभु, जहां पर एक इस्लामी जिहादिस्ट जो ग्रुप है जिसका नाम बोको हरान है प्रभु, वो बहुत सारे मसीहों को मार चुन रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उस देश में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है, बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया है प्रभु। तुझसे विनती करते हैं कि वहां पर प्रभु अभी पिछले दिनों उन्होंने 19 स्टूडेंट्स को मार डाला और प्रभु वहां पर लाखों लोग बेघर हो गए हैं प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं कि लोग कैंप्स में रह रहे हैं और हमें पता चलता है प्रभु कि वहां पर एक कैंप में रहने वाले लोगों की संख्या 100,000 से ऊपर है प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु कैंप में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का, पानी का और हर चीज का बंदोबस्त कर और प्रभु अपने लोगों को संभाल, अपने लोगों को बचा प्यारे परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू इंटरनेशनल फोर्सेस को और इंटरनेशनल लीडर्स की आंखों को खोल ताकि आए खुदावन वे नाइजीरिया के ऊपर प्रेशर डाल सकें, और आए खुदावन जो लोग तेरे विरोध में खड़े होते हैं प्रभु तो उनके विरोध में खड़ा हो और आए खुदा उनके मनों में कार्य कराए खुदावन। जहां पर तेरे नाम सताया गया, जहां पर तेरे लोगों का लहू बहा है खुदावन, वहीं वहीं रिवाइवल आया है आए खुदावन। हम नाइजीरिया में एक बड़े रिवाइवल को क्लेम करते हैं। इसी के साथ साथ प्रभु हम रशिया के अंदर, क्रीमिया के अंदर और यूक्रेन के अंदर एक रिवाइवल को क्लेम करते हैं आए खुदावन। पिछले दिनों जब यूक्रेन के अंदर लोग चर्चेस के अंदर भर गए और उन्होंने तुझसे प्रार्थना और उपवास के साथ तेरे सम्मुख आए, आए खुदावन होने दे कि उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ न जाएं। और आए खुदावन रशिया के अंदर, क्रीमिया के अंदर और रशिया और यूक्रेन के अंदर हम एक बड़े रिवाइवल को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हम तुझसे मलेशिया की जो एयर फ्लाइट 370 है उसके तमाम पैसेंजर्स को याद करते हैं खुदावन। हम नहीं जानते वो फ्लाइट कहां है और उसके पैसेंजर्स की क्या दशा है आए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं कि जल्द से जल्द ये खोज समाप्त हो और हमें पता चल सके कि वो कहां है आए खुदावन। खासतौर से हम तुझसे गिड़गिड़ा कर और नम्रता के साथ विनती करते हैं कि अगर ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है और उस प्लेन को सबको आगे चल के एक वेपन की तरह यूज करने का कोई प्लान है तो आए खुदावन वो कभी सक्सेसफुल ना होगा। इन द नेम ऑफ जीसस वी क्लेम इट आए खुदावन। हम तुझसे विनती करते हैं कि दुश्मन की कोई भी गलत चाल कभी सक्सेसफुल ना होगी। किसी प्रकार आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं साउथ सूडान के लिए, जहां पर 700,000 से ज्यादा लोग देश के अंदर और 200,000 से ज्यादा लोग आए खुदावन देश से बाहर चले गए, वे रिफ्यूजी हो गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उनके लिए खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं है खुदावन, उनके लिए दवाई का कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए रोटी का कोई बंदोबस्त नहीं है प्यारे पिता परमेश्वर। तू इंटरनेशनल लीडर्स की आंखों को खोल ताकि आए खुदावन उस देश में शांति आ सके प्रभु। हम तुझसे विनती करते हैं खुदावन कि तमाम अफ्रीकन कंट्रीज में खुदावन हम एक बड़े रिवाइवल को देख सकें प्यारे पिता परमेश्वर आए खुदावन। खास तौर से इस वक्त हम नॉर्थ कोरिया को तुझसे विनती करते हैं आए खुदावन। जैसे आयरन कर्टेन हम पहले रशिया के लिए, चाइना के लिए कहते थे आए खुदावन तुझसे विनती करते हैं जिस प्रकार तूने ईस्ट और वेस्ट यूरोप के बीच में जो दीवार थी उसको तूने ढा दिया आए खुदावन। तुझसे विनती करते हैं तो इस नॉर्थ कोरिया को दीवार को ढा दे आए खुदावन और इस देश के अंदर आए खुदावन एक बड़े रिवाइवल को ला आए खुदावन। होने दे कि जिस प्रकार आए खुदावन साउथ कोरिया के अंदर रिवाइवल आया और वो देश तेरी नजदीकी में चला गया आए खुदावन, होने दे नॉर्थ कोरिया भी तेरी नजदीकी में आए आए खुदावन। जब तू क्रूस में मरा तू इन लोग के लिए भी मरा आए खुदावन, या ऐसा ना हो कि आए खुदावन बहुत सारे लोग बगैर सुसमाचार सुने आए खुदावन नरक में चले जाए। प्यारे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में दे और इस तमाम प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रार्थना सभा को अंत करते हुए मैं इस प्रार्थना सभा को पास्टर जैन को सौंपता हूं ताकि वो कोई और अनाउंसमेंट हो तो दे सके। पास्टर जैन सिस्टर जी आप लाइन पे है तो थोड़ा अनाउंसमेंट कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज रात को भी हम हिंदी प्रेयर लाइन के द्वारा परमेश्वर की जय जयकार करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रार्थना में अगुवाई करने वाले, लीड करने वाले डॉक्टर अजय वाल्टर्स को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू डॉक्टर वाल्टर्स, मे गॉड ब्लेस यू। पास्टर जैन थैंक यू फॉर द वर्ड ऑफ गॉड, आपने जो हमारे वचन हमसे सुनाया, हम इन दिनों में
अधिक शक्ति से परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर हमने सारे को कृपा करे। गाना गाए हुए सबीना को परमेश्वर के नाम से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, विशेषकर हम पास्टर कुरियन सरियन के लिए। हम अपने पर्सनल प्रेयर में भी उनको याद करें। कल वहाँ यू नो होली का दिन था, होली के दिन में वो लोग दारू पी के प्रभु के दास को टॉर्चर किया। वो परमेश्वर उसको एक रिवाइवल के लिए कारण बनाने के लिए और अधिक शक्ति से उस स्लम एरिया में जो प्रभु का दास परमेश्वर के नाम में मिनिस्टर करते हैं, परमेश्वर ये परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और उस देश का रिवाइवल के लिए कारण हो जाए। पास्टर कुरियन चिरियन ब्रदर साजन का भाई है, बड़ा भाई है, उनके परिवार को फिर आप अपने पर्सनल प्रेयर में याद करिएगा। और एक और बार सबको धन्यवाद देती हूँ। और कल सवेरे हर एक दिन सवेरे 5 से 6 बजे तक हमारा इंटरसेसरी प्रेयर है, उसमें भी आप शामिल हो जाए। और ट्यूसडे और वेनसडे बाइबल स्टडी है 9 to 10 PM मलयालम में, और थर्सडे 8:30 to 9 इंग्लिश प्रेयर सेशन है, 9 to midnight मलयालम प्रेयर सेशन है। इन सब प्रेयर सेशन को आप अपने पर्सनल प्रेयर में याद रखिएगा। परमेश्वर सबको आशीष दे। गुड नाइट। Down.